बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर राइट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कंप्यूटर सब्जेक्ट। इन दिस सब्जेक्ट वी विल रीड द स्टोरेज। द फर्स्ट चैप्टर इज स्टोरेज। वी विल सी व्हाट इज स्टोरेज। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन एन इंटरनल हार्ड डिस्क। We use external data storage devices as per our storage need. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इसकी अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। आगे अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नंबर वन पे आ जाती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द मोस्ट कॉमन डाटा स्टोरेज डिवाइस, आल्सो हैज़ द बिगेस्ट स्टोरेज स्पेस अवेलेबल। ये काफ़ी कॉमन डिवाइस है ये वाली, जो कि आमतौर पर तकरीबन हर जगह इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्पेस होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। नंबर टू पे आ जाती है सीडी और डीवीडी। जैसा कि ये वाली जो डिवाइस है ये तो तकरीबन हर घर में ही होती है, आप लोगों ने भी देखी हुई होगी। डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सीडी दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडीज दैट इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आर द इवेल्युएशन ऑफ सीडीज एंड लुक ऑलमोस्ट द सेम बट हैव मच मोर स्पेस। ये दोनों सीडी और डीवीडी देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं और इनके अंदर काफ़ी स्पेस होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि डोंट स्क्रैच द सर्फेस अदरवाइज योर डाटा विल बी लॉस्ट। अगर आप इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह लगा देते हैं तो फिर आपका जो डाटा है वो लॉस्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। अब आगे जो है वो ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। यहाँ पे हमने ये देखा था कि डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। वी कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर यूजिंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसमें नंबर वन पर आ जाती है USB और फ्लैश मेमोरी। इस के बारे में भी आपको यकीनन पता होगा क्योंकि तकरीबन हर घर में ही ये भी इस्तेमाल होती है। विद USB फ्लैश मेमोरी डाटा कैन बी स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड क्विकली एंड ईजीली। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड क्वाइट हैंडी टू कैरी विद। यानी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े कि आपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर करना है तो फिर आप इसको एक कंप्यूटर के साथ अटैच करें, वहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट करके इसमें रखें और इसको फिर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में डाल के डाटा को वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी और बड़ा क्विक मेथड है डाटा को स्टोर करने का। नंबर टू पे आ जाता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इज़ अ वेरी थिन एंड स्मॉल। ये काफ़ी छोटा सा होता है और पतला सा होता है। इट कैन बी यूज विद स्मार्टफोन्स डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर्स। अब ये जो है ये पहले तो होता था कि ये सिर्फ मोबाइल्स वगैरह में ही यूज़ होते थे, लेकिन अब जो है वो ये डिजिटल कैमराज और MP3 प्लेयर्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मेमोरी कार्ड इज़ आल्सो यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम दीज डिवाइसेस टू PC और लैपटॉप। इसी तरह से अगर आप इसको डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल करते हैं तो वह पिक्स वगैरह बनाते हैं कैमरा के अंदर, तो उसमें से ये कार्ड निकाल के आप लैपटॉप कंप्यूटर में लगा के वहाँ पर अपना डाटा कॉपी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि स्टोरेज से रिलेटेड था। इसमें हमने देखी दो चीज़ें, कौन सी डिवाइसेस हम डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कौन सी डिवाइसेस हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। वो मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी, जिसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर भी सॉल्व करना होगा, नोट करना होगा और अपने मुकर्रा दिन पर आके उसको चेक भी करवाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, अल्लाह हाफिज़।